डेली ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम किसके टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर का कार्य शुरू हो गया है। इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि कार्य निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अयोध्या में तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थर को 23 तरह के केमिकल से चमकाया जा रहा है। ये काम दिल्ली की एक कंपनी कर रही है। दोस्तों श्री राम जन्मभूमि न्याय की कार्यशाला में 28 साल के पत्थर तराशे हुए रखे हुए थे जिनका उपयोग अब किया जा रहा है। इन पत्थरों की सफाई में 3 महीने का समय लग सकता है। अब तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के पत्थर तराशे जा चुके हैं। दोस्तों श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तराशे रखे गए करीब 1,00,000 दानफुट पत्थरों पर जमकर सफाई की जा रही है। इसे चमकने का काम तेजी से किया जा रहा है। यह काम दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी KLA करवा रही है। 1 हफ्ते पहले इस कंपनी को शुरू किया गया था। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक काम जल्दी पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अब किसी की सफाई करने वाले लोग और कारीगरों की संख्या करीब 15 कर दी गई है। शुरुआत में 5 कारीगरों ने पत्थर की सफाई का काम शुरू किया था। पत्थरों को चमकाने के लिए अब 23 तरह के केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें करीब 3 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के पत्थर तैयार हैं। विश्व हिंदी परिषद VHP के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के मुताबिक कार्यशाला में 28 सालों से तराशे गए पत्थरों का काम चल रहा है। इसमें 1,00,000 दानफुट पत्थर तराशे गए हैं। ये पत्थर मंदिर के भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के हैं। अब तक मंदिर के भूतल, सिंह द्वार, नित्य मंडप और रंग मंडप के काम अब चालू हो चुका है। कोली भाग और गृह सतम बीम और छत के पत्थरों को तराशा जा चुका है। अब मंदिर के प्रथम स्थल के पत्थरों को भी तराशा जाना बाकी है। इसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। दोस्तों 1992 में कार्यशाला की स्थापना हुई थी। श्री राम जन्मभूमि न्यास की ओर से मंदिर निर्माण कार्यशाला की स्थापना 1992 में की गई थी। लंबे समय से रखे पत्थरों पर धूल जमने की वजह से इनको साफ करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय रेड्डी ने बताया कि पत्थरों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। पहले सफाई का काम पानी से किया जा रहा था परंतु अब इसमें बावजूद डस्ट काफ़ी रह जाता है तो इसे स्टेन और एल्बो सीमेंट की मदद से छुटाया जाएगा। अगर तब भी रह जाता है तो डस्टर रिमूवर और पेंट रिमूवर जैसे केमिकलों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली थीं राम जन्मभूमि परिसर में। 11 मई को जमीन समतल करने का काम शुरू किया गया था। इस दौरान यहां देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली थीं। पुष्प कलश और नकाशित खम्भे के विशेष मिले थे। श्री राम जन्मभूमि स्थल क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चपात राय ने बताया कि की बल्कि टच स्टोन के साथ खंभे मिले थे। 6 रेड सैंड स्टोन के खंभे मिले थे। 5 फुट के नकाशीनामा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर भी मिले थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।